हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके साथ हमारी जो ये बातचीत चल रही है, जो ये चर्चा चल रही है, ये दैनिक राशिफल को लेकर के है और इस दैनिक राशिफल की चर्चा के साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और दिनांक जो आपका दैनिक राशिफल है, ये दोनों दिनांक 5 मई सन 2022 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी चतुर्थी। नक्षत्र रहेगा मृगशिरा, योग होगा सुकर्मा, करण होगा वृष्टि और राशि रहेगी आज मिथुन। चंद्रमा का संचार पूरे दिन मिथुन राशि में बना रहेगा। राहु काल की समय अवधि कुछ इस प्रकार से है, दोपहर 2:02 से लेकर शाम 3:40 तक और इस समय अवधि में कोई शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि इस प्रकार है, दोपहर 12 से लेकर दोपहर 12:48 तक और इस समय अवधि में आप अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं आज। तो ये थी चर्चा पंचांग को लेके। अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में और बताना चाहते हैं कि ये दैनिक राशिफल पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। देखिए साथियों, आज के दिन जो भी आप अपने कार्य को डाइवर्सिफाई करने की अगर कोई प्लानिंग रखते हैं, पहले से प्लान करके रखा हुआ है आपने, तो अभी आपको उस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको बेटर तरीके से आप प्लान कर सकते हैं और करना चाहिए। हो सकता है कि आप उसको जब दोबारा से रिव्यू करें प्लानिंग को, तो उसमें आपको कुछ और संशोधन आप करेक्शन कर सकते हैं, करने का मौका मिलेगा। और जो कुछ थोड़े बहुत डाउट्स उसको लेकर के आपके दिल और दिमाग में बन रहे हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि एक अपने खान पान पर भी थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी खाने से जिनमें टेस्ट के कारण व्यक्ति ज़्यादा खा जाता है, स्वाद के कारण पता नहीं चल पाता, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें सेहत को लेकर के हार्मफुल रहती हैं, नुकसानदायक रहती हैं। और इन चीज़ों पर ध्यान दे करके अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप जो भी कार्य करने वाले हैं मेंटली या फिजिकली, वो आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको अंजाम दे सकते हैं। उपाय आप करें, सफ़ेद खरगोश को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 7 और शुभ रंग आपके लिए है आज स्लेटी। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, देखिए आज के दिन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए जो आपके अनुकूल ना हो, आपके अनुसार ना हो, आपको वो सही ना लगती हो किसी भी रूप से। और ऐसी परिस्थितियों को आप उनका सामना करने में भी थोड़ा हिचकिचाएंगे, थोड़ी घबराहट भी हो सकती है आपको, परेशानी भी आपको हो सकती है दिमागी तौर पर कि भाई मैं कैसे इन चीज़ों को फेस करूँगा। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना है कि परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा होती हैं, जैसे सुख वैसे ही दुख। तो जैसे हम सुख को एंजॉय करते हैं, दुख को हम एंजॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दुखों का सामना जरूर करना चाहिए बिल्कुल डिटरमिंड होकर के। तो ऐसी ही आपको अपनी मानसिकता बनाने पर जोर देना चाहिए। इसीलिए आप कठिन कार्य भी हाथ में नहीं ले रहे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि और स्थिति खराब हो जाए, परिस्थितियां और विपरीत हो जाए। ठीक है, ना लें, एक एक करके लें, धीरे धीरे करके लें, चीज़ों को समझ लें, उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करें अपने हिसाब से, आसानी जिसमें आपको लगती हो, लेकिन भागना नहीं है परेशानियों से। आज कोई भी कार्य या घटना ऐसी घट सकती है जो आपके अनुरूप ना हो, जो आपको पसंद ना हो, और ऐसी चीज घटने से क्या होगा, थोड़ी सी निराशा बनेगी, हताश हो जाएंगे,
और आपकी इच्छा रहेगी सब कुछ छोड़ो और बैठो एक तरफ, कुछ नहीं रखा, बेकार की बात है सब। लेकिन नहीं, मैंने जैसा कहा, जीवन है, ये साइकिल है, चक्र है, चलता है, सुख भी है, दुख भी है, परेशानियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, तो हमें इनको सबको फेस करते रहना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीवन में परमानेंट हो। हताशा को दूर करना ही व्यक्ति को आशावादी बनाता है। अगर आप अपनी हताशा और निराशाओं को दूर करेंगे तभी आप आशावादी बनेंगे, ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे। और इसी प्रकार का हमारा आपको यहां पर यही सुझाव है, और ग्रहों की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। उपाय क्या बन रहा है, किसी भी कुष्ठाश्रम में जा सकते हैं आप, या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं उनको आप मीठे चावल अपने हाथों से बांटेंगे तो आपको रोजगार या व्यापार में उन्नति हासिल होगी। शुभ अंक आपके लिए है 9 और शुभ रंग आपके लिए आज पीला। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। देखिए साथियों, हो सकता है कि आज किसी ना किसी कारणवश आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेले हैं, या अकेलापन महसूस हो आपको, या आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मुझे कहीं ना कहीं समाज के द्वारा या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और उसी के कारण आप थोड़ा बहुत मानसिक तौर पर अस्वस्थ रह सकते हैं, अनहेल्दी रह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप ऐसी विचारधारा को अपने मन से निकालें, जहाँ तक भी आपसे हो सकता है ऐसी विचारधारा को निकालिए और अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर होगा। और आप ऐसे किसी व्यक्ति का साथ पकड़ें, किसी के साथ रहें जिससे बात करके आपके मन को सुकून और शांति प्राप्त हो। दूसरा एक और भी रास्ता है, योग और ध्यान आपको इसमें काफी राहत दे सकते हैं अगर आप योग और ध्यान का सहारा लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों का स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे तो क्या है कि उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि भाई अपनी ओर से व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी कोमल होनी चाहिए, स्वभाव नम्र होना चाहिए। तो इस प्रकार का भी अगर आप अपना स्वभाव, विचार और अपनी वाणी को रखते हैं, निश्चित रूप से चीजें आपके अनुकूल होंगी। इसमें परेशान होने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, या ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने कहा, परेशानियां तो जीवन का एक हिस्सा है, जैसे सुख वैसे ही दुख। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके हक में जो जा रही है मिथुन राशि के जातकों को, आज के दिन ग्रह जो हैं आपके, आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जहां पर कुछ ज्यादा ही परेशानियां आपके लिए खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। उपाय आप करिएगा, उपाय आपको दे रहे हैं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर उच्चारण करें, जरूर जप करें। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, मजबूत करेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 5 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज गुलाबी। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन। तो साथियों, आज आपकी सफलता के जो मार्ग हैं उसमें जो आपका भावनाशील स्वभाव है, यानी कि इमोशनल जो है, आप काफी इमोशनल हैं, इस प्रकार का जो आपकी नेचर है, वो ही आपके सफलता के मार्ग में कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए अत्यधिक भावनाशीलता से दूर रहने के लिए हमारी ओर से आपको बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम सुझाव देना चाहते हैं आपको, इस काफी जोर शोर से ये बात हम कहना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि भाई आप अपना जो ये इमोशंस हैं इन पर कंट्रोल करें। आप कि देखिए, भावनाशीलता जो है, ये इमोशंस जो हैं, ये कुछ आने वाले समय में आपके लिए कहीं और ज़्यादा बड़ी समस्या ना बन जाए, आपकी सफलता में, आपकी उन्नति में बाधा ना बन जाए। इसलिए हम आपको ये सुझाव आज ही दे रहे हैं कि इस बात पर आप थोड़ा गौर करें।
आप अपनी वाक्पटुता और मृदु भाषिता से अन्य लोगों का दिल जीत रहे हैं और जीतेंगे। ये आपके अंदर एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है, यानी कि जो बोलने का आपका अंदाज है, जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग, और जो आपकी सॉफ्ट, मतलब एक तरीके से लैंग्वेज है जो आप यूज करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है आप, इसके कारण लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और उससे आप लोगों के दिल पर राज करते हैं। उपाय आप कर सकते हैं आज पारिवारिक जीवन की खुशियों के लिए, दूध मिश्री सफेद गुलाब के जो पुष्प हैं, फूल हैं, किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर के आप चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए है आज 3, शुभ रंग आपके लिए बनता है आज भूरा। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, साथियों व्यवसाय जो भी कर रहे हैं आप या व्यापार, उनके लिए आज का दिन काफी आर्थिक रूप से लाभदायी नजर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापार में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, और परिवारजन जो हैं, आपके परिवार के सदस्य और आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स, उनके साथ भी आज काफी अच्छा समय आपका व्यतीत होगा, वो उन पलों का भी आप आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। और कहीं ना कहीं जो स्त्री वर्ग है उससे भी आपको कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में लाभ होने की संभावना दिखती है। संतान की ओर से भी अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, और छोटी मोटी यात्रा के लिए भी जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल रहेंगी, और दाम्पत्य जीवन में काफी आनंद रहेगा और आप काफी उसका सुख और आनंद प्राप्त करेंगे आज के दिन। उपाय आप करना है, चावल या चांदी अपनी माता से लें, और अपने जहां धन आप रखते हैं, जहां पैसे रखते हैं, उसी जगह पर यह चीज रख दें। ये आपकी आर्थिक उन्नति में बहुत अधिक सहायक होगा मित्रों। शुभ अंक आपके लिए है 2, शुभ रंग आपके लिए है ग्रे। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, तो आज के दिन लोगों के साथ बातचीत और संदेश व्यवहार में आप काफी बिजी रहेंगे, आपका दिन काफी व्यस्तता में निकलेगा इसी कारण से, और यह प्रवृत्ति फोन, ईमेल या जितने भी आपके नियर हैं व्यक्ति, जो भी लोग हैं, इन चीजों के थ्रू आपकी मुलाकात उनसे होनी है, और जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके साथ आप अपनी इंटरनल जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो भी आप शेयर करेंगे, और शेयर करना आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे ऐसा करना, और जिनके साथ आप ये करेंगे वे भी आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे और आपके साथ उनका पूरा स्नेह रहेगा। बाकी ग्रहों की ओर से पूरा सहयोग है आपके लिए, पूरा सपोर्ट है आज के दिन, तो आपको किसी प्रकार की परेशान होने की यहाँ आवश्यकता हम नहीं समझते कि है। उपाय आप कर सकते हैं, घर में लाल गुलाब के पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने से पारिवारिक खुशियों में होगी वृद्धि। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 7, और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज मैरून। देखिए साथियों, अब बात करने जा रहे हैं हम तुला जो राशि के जातक हैं उनके विषय में कि आज का दिन कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का। तो बताना चाहते हैं कि आज का जो दिन है, आज के दिन आपका जो स्वभाव है, जो आपकी सोच है, कुछ ज्यादा ही कुछ आज आप वरीड रहेंगे, कुछ चीजों को लेकर के ज्यादा ही चिंतित रहेंगे, और कुछ ऐसी ऐसी बातों को लेकर के टेंशन लेंगे जिनका कोई ज्यादा अधिक महत्व भी नहीं है आपके व्यक्तिगत जीवन में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी बातों को लेकर के चिंता करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए इन बातों को दिमाग से निकालने की और इनसे दूर करने की दिमाग से। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इससे कैसे बचा जाए, उसका रास्ता हम आपको बता रहे हैं। इससे बचने के लिए आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी धार्मिक स्थान पर भी जाकर के पूजा पाठ की पद्धति को अपना करके आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, और इसके कारण जब आप पूर्ण रूप से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, निश्चित रूप से आपका जो हेल्थ है, सेहत है, वो भी सही रहेगा। उपाय आप कीजिएगा आज के दिन, यदि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है और जाने का आज का दिन आपने समय फिक्स किया हुआ है,
तो जाने से पहले, घर से निकलने से पहले चीनी खा करके थोड़ी सी निकलें, ये आपके लिए बहुत शुभ उपाय रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज आसमानी। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। तो साथियों, आज का दिन जो भी मैरिड पर्संस हैं, मेल्स हों या फीमेल्स, वो आज के दिन अपने दाम्पत्य जीवन का, अपनी मैरिड लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे और उसके सुख का भरपूर आप आनंद लेंगे। आज का दिन इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से आप ही का है। जहां तक फैमिली का प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और छोटी मोटी कोई यात्रा का योग भी बना हुआ है, उस पर भी आप जा सकते हैं। दोपहर के बाद थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है और मानसिक रूप से कुछ थोड़ा सा व्यग्रता भी बनी रहेगी, बेचैनी। लेकिन इतना हम कहेंगे कि दोपहर के बाद किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें आज, और यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी अगर आप करते हैं तो, और अपने खान पान में भी अपना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योग और ध्यान से आपको पूर्ण रूप से मानसिक और स्वास्थ्य दोनों की तरफ से लाभ प्राप्त होगा। उपाय आप कर सकते हैं, दूध मिले जल से स्नान करें, यानी कि जिस जल से आपने स्नान करना है उस बकेट में, बाल्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और उससे आप स्नान करें। हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा उपाय है ये। शुभ अंक आपके लिए है 9 आज, शुभ रंग आपके लिए है आज संतरी। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। तो आज आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे और आपकी कुछ सोच भी इसी प्रकार की रहेगी। आपका भाग्य भी आपका जरूर थोड़ा बहुत साथ जरूर दे रहा है आज के दिन, क्योंकि कुछ समय पहले जो भी आपने थोड़ा बहुत जोखिम उठाया है कुछ कार्यों में, उनकी भी लाभ की प्राप्ति आज के दिन आपको हो सकेगी। देखिए, कोई भी ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए कोई जरूरत से ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है आपको आज, जितना मिलना है वो मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा लाभ अर्जित करने के चक्कर में आप पूरी एनर्जी वहीं वेस्ट कर दें, पूरी ताकत लगा दें, पूरी कैपेसिटी के साथ वहां पे अपना एफर्ट डाल दें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जितना आपको मिलना है उतना जरूर मिलेगा, चाहे आप कितना ही एफर्ट डाल लें। तो इसलिए बेहतर यही है कि ज्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है और अपने आप को थकाने की भी आवश्यकता नहीं है। उपाय आप करें, अच्छे प्रेम संबंधों के लिए गाय को आलू में हल्दी लगा करके खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए है आज 1, शुभ रंग आपके लिए आज हरा। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन। आज का दिन काफी एक तरीके से अनस्टेबल रहेगा। छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ना सोच विचार करें। पृथ्वी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके आपको सहयोग कर रही है। एक तरीके से नेचर, जिसको हम कुदरत कहते हैं, उसकी ओर से भी आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। इसमें पूरा सहयोग नेचर का आपको मिल रहा है और आपकी जो दैनिक जीवन चल रहा है, यानी कि डे टू डे की जो लाइफ है, उससे कुछ अलग हट करके आज कुछ करने की प्लानिंग बनाएं आप, कुछ स्पेशल, ताकि आपका जो ध्यान और दिमाग है वो अनावश्यक बातों से हट करके कुछ काम की बातों में लगे और आप उसके कारण फिर तनावग्रस्त होने से भी बचेंगे। उपाय आप करिएगा, सतनाज की रोटी बना करके पक्षियों में डालें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 8, शुभ रंग आपके लिए है आज सफेद। कुंभ राशि। तो आज अन्य लोगों के साथ आप अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और जो भी आपके पास अच्छे विचार हैं उनको प्रेजेंट करने का भी आज आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। और आज ऑफिस के अंदर जो भी और जितने भी और जैसे भी कार्य हैं, उनको कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, कैसे आरंभ करें और कब करें, पहले कौन सा कार्य करें, इस बात की भी आज आप प्लानिंग करके करें तो आप उसमें भी सफल होंगे। और अगर आप इस तरीके का मेथड एडॉप्ट करते हैं अपने ऑफिस में,
तो निश्चित रूप से जो आपके उच्चाधिकारी हैं, जो सीनियर्स हैं, वे भी आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे आपके कार्य की। आज व्यवहारिक और निजी जीवन इन दोनों क्षेत्रों में सभी कार्य आपके सफलतापूर्ण पूर्वक पूरे होंगे और आपका दिन काफी आप अच्छा रहेगा। आपका आज का दिन एंजॉय करने वाले हैं। उपाय आप कर सकते हैं, भगवान में पूर्ण रूप से अपनी आस्था रखें, पूरी श्रद्धा रखें, सत्संग आदि में भी जा सकते हैं, जाना चाहिए अगर आपके पास समय है, और किसी भी प्रकार की मानसिक हिंसा जैसी चीजों से बचना चाहिए। यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, ये उपाय है। शुभ अंक आपके लिए आज 4 और शुभ रंग आपके लिए आज नीला। मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन, तो साथियों अभी समय और ग्रहों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है और इसका आप भरपूर आनंद ले रहे हैं और लेना चाहिए भी। चीजों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस अधिक गहरी सांस लें और छोड़ दें, इससे ही आपको काफी शांति प्राप्त हो जाएगी। ये आपके द्वारा किए जाने वाले जो बदलाव हैं उस चीज के लिए यह आवश्यक है। उपाय आप करिएगा, खोटा सिक्का नदी में अगर बहाएंगे, जल प्रवाह करेंगे, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उचित उपाय है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 8 और शुभ रंग है केसरी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का दैनिक राशिफल, दिनांक 5 मई सन 2022, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, संवत 2079 का। लेकिन अब समय आ गया है ये बताने के बाद कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पर। तो अब हम अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से इजाजत लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।